तो एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पहले पॉइंट को समझते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक बॉडी मान लो कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, ठीक। तो जब स्पीड कॉन्स्टेंट है तो एक्सीलेशन होनी चाहिए, स्पीड तो कॉन्स्टेंट है 20 मीटर पर सेकेंड, तो एक्सीलेशन क्या होनी चाहिए? जीरो नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि स्पीड कॉन्स्टेंट है पर वेलोसिटी थोड़ी ना कॉन्स्टेंट है, और एक्सीलेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड नहीं होती, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है, और वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है, चाहे स्पीड चेंज नहीं कर रही तो ओवरऑल वेलोसिटी वेक्टर तो चेंज है, तो एक्सीलेशन वेक्टर तो होना चाहिए। चलो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल करते हैं, फिर इसके ऊपर आऊँगा, पहले इसको छोड़ ही देते हैं। आपको एक एग्जांपल अगर याद हो, कौन सा? हमने वेक्टर चैप्टर में किया था। हमने क्या किया था? हमने ये किया था कि सपोज करो आपके पास कोई बॉडी मूव कर रही है टूवर्ड ईस्ट विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड। फिर क्या हुआ? उस बॉडी ने अपनी डायरेक्शन क्या कर ली? चेंज, और कहाँ कर ली? नॉर्थ, 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो ईस्ट से स्पीड क्या कर ली? नॉर्थ, 10 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहाँ तक। और कितनी देर में की? मान लो टाइम टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड में की। तो क्वेश्चन है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेशन। अब एक्सेलेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का चेंज का मैग्नीट्यूड निकाल दें और टाइम से डिवाइड कर दें तो क्या आएगी? एक्सेलेरेशन। मैग्नीट्यूड ही निकालना है, डायरेक्शन थोड़ा निकालनी है। अब अगर आप ये सोचते हैं कि स्पीड तो 10 और 10 है तो स्पीड क्योंकि चेंज नहीं हो रही, एक्सेलेरेशन जीरो, तो गलत सोच रहे हैं। क्यों? इमेजिन करो वेक्टर का रूल, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ v1 वेक्टर और इसको रिप्रेजेंट करता हूँ v2 वेक्टर, तो ये जो वेक्टर आएगा, ये वाला वेक्टर, इसका नाम पता है क्या होगा? डेल्टा वी वेक्टर। वो क्यों? ट्राइंगल लॉ लगा लो। ट्राइंगल लॉ क्या कहता है? डेल्टा वी वेक्टर क्या होना चाहिए? फाइनल वेलोसिटी वेक्टर v2 वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर v1 वेक्टर। तो डेल्टा वी वेक्टर इज इक्वल टू v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। तो इस केस में ट्राइंगल लॉ लगाओ। चलो ये क्या है? v1 वेक्टर। ये क्या है? डेल्टा वी वेक्टर। ये क्या है? v2 वेक्टर। तो v1 वेक्टर प्लस डेल्टा वी वेक्टर इज इक्वल टू v2 वेक्टर। क्या है? पॉइंट क्लियर है? v1 वेक्टर और ये कॉन्टिन्यूस साइड डेल्टा वी वेक्टर इज ए क्लोजिंग साइड। क्लोजिंग साइड क्या है? v2 वेक्टर। तो यहां से डेल्टा वी वेक्टर क्या आएगा? v2 वेक्टर माइनस। तो ये मैं आपकी तसल्ली के लिए प्रूफ करवा रहा हूं कि देखा कि डेल्टा वी वेक्टर क्या आ गया? v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। पर अदरवाइज अगर आप सीधा लिख सकते हैं और समझ पा रहे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए दिस इज डेल्टा वी वेक्टर। तो पॉइंट क्लियर है? ये मैं मैथमेटिकली साथ साथ प्रूफ करके दिखा रहा हूँ कि इसको डेल्टा वी मैंने क्यों लिखा, क्योंकि डेल्टा वी वेक्टर का मतलब क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। तो मैंने भी तो यही कहा v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। अब मुझे ये बताओ कि डेल्टा वी की वैल्यू क्या होगी? तो पाइथागोरस से वैसी हो जाएगी, अगर ये 10 है और ये भी 10 है तो ये क्या आएगी? अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा? √2 × 10। ऐसे होगा। तो आप यहां पर डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड √2 × क्या पुट कर सकते हैं? 10। और टाइम कितना है? 5। तो ये आपके पास क्या आ गई? एक्सेलेरेशन। तो ये टॉपिक आपको क्या बता रहा है? ये टॉपिक आपको ये बता रहा है कि चाहे स्पीड चेंज नहीं हुई, डायरेक्शन चेंज हो गई, तब भी क्या जनरेट हुई? एक्सेलेरेशन। समझ में आ रहा है यहां तक? तो यानी कि अगर कोई भी गाड़ी अपनी सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर ले विदाउट चेंजिंग द स्पीड तो भी उसमें क्या जनरेट होगी? एक्सेलेरेशन। क्लियर है यहां तक? अब सर्कुलर के अंदर सेम प्रॉब्लम है। सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पर डायरेक्शन बॉडी क्या कर रही है? चेंज। और हर पॉइंट पर जब डायरेक्शन चेंज हो रही है तो क्या जनरेट होगी? एक्सेलेरेशन। हम वही कैलकुलेट करने जा रहे हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन। क्लियर है यहां तक? ठीक। देखो इसको समझने के लिए मैं अब सर्कुलर का ही एग्जांपल लेता हूं। ठीक, देखो सर्कुलर का एग्जांपल लेते हैं। क्या कि सपोज करो कोई बॉडी किसमें मूव कर रही है? इन अ सर्कल। तो ये लो, ये बॉडी किसमें मूव कर रही है? इन अ सर्कल। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे एक चीज बताओ कि अगर सपोज करो मैं यहां पे वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ करूं तो मुझे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? एक टेंजेंट।
मान लो मैं पूछता हूँ कि यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर क्या है, तो यू ड्रॉ टेंजेंट। टेंजेंट क्यों? आपको याद होगा मैंने समझाया था ये डी आर वैक्टर टेंजेंशियल होता है, तो वेलोसिटी भी इसमें टेंजेंशियल होगी। क्लियर है यहाँ तक? तो लेट अस सपोज इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय वी वन वैक्टर, राइट? क्लियर है यहाँ तक? वी वन वैक्टर। अब अगले किसी पॉइंट पर बहुत थोड़ा सा आगे, बहुत माइन्यूट, बहुत ही छोटा आगे, क्या होगा? वेलोसिटी वेक्टर अपनी डायरेक्शन क्या कर लेगी? चेंज, चेंज कर लेगी। लेट अस सपोज दिस इज वी टू वैक्टर, जब पॉइंट शिफ्ट होगा तो वेलोसिटी वेक्टर भी चेंज हो जाएगा। हर पॉइंट पर वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन क्या करती जाएगी? चेंज। तो मैंने दो कंसेक्टिव पॉइंट्स ले लिए, ए और बी, बहुत ही क्लोज है, ना मात्र डिस्टेंस उनके बीच में, बहुत ही क्लोज है। तो वी वन वैक्टर, वी टू वैक्टर, क्लियर है? हाँ, अगर मैं ये पूछूं कि V1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड V2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितने हैं, तो आंसर क्या आएगा? V। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो V1 वेक्टर का और V2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? V। कोई डाउट इसमें? अब इसमें अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, ये वेक्टर लूँ, दिस इज अ वेक्टर, ठीक है? अगर मैं ये वेक्टर लूँ तो ये वेक्टर क्या है? डेल्टा V वेक्टर। दिस वेक्टर इज डेल्टा V वेक्टर, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। क्लियर है यहाँ तक? डेल्टा V वेक्टर। तो डेल्टा V वेक्टर, ये चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, ऐसा क्यों लिखा? देखो ना, ये वेक्टर V1 वेक्टर, ये डेल्टा V वेक्टर, और ये क्लोजिंग साइड है ट्राइंगल की। तो मैंने आपको क्या समझाया कि क्लोजिंग साइड V2 वेक्टर इज इक्वल टू V1 वेक्टर प्लस डेल्टा V वेक्टर। तो डेल्टा V वेक्टर क्या आएगा? V2 वेक्टर माइनस, तो फिर से वही प्रूव कर दिया मैंने कि ये डेल्टा वी वेक्टर ही रहेगा। तो डेल्टा वी वेक्टर आ गया चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। अब असली चीज़ ये है, ये जो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर होगा ना, ये वाला, इसे अगर मैं कंटिन्यू करूं आगे की तरफ, ठीक है, इसे अगर मैं आगे की तरफ थोड़ा सा कंटिन्यू करूं, कुछ ऐसे, ठीक, दिस इज डेल्टा वी वेक्टर। तो अगर मैं इसे कंटिन्यू करूं तो ये वेक्टर कहाँ जाएगा मालूम है? टुवर्ड्स सेंटर। ये डायरेक्शन कहाँ देगा? टुवर्ड्स सेंटर। आपको कहोगे कि यह हर बार टुवर्ड्स सेंटर है। चलो फिर से डायग्राम बना लेते हैं, जैसे यहाँ बनाते हैं। ये मान लो ये सपोज एक वेलोसिटी वेक्टर है V1 वेक्टर, ये अगला वेलोसिटी वेक्टर है कितना? V2 वेक्टर। कोई भी दो पॉइंट ले लो, V1 वेक्टर, V2 वेक्टर, और ये क्या आएगा? डेल्टा V वेक्टर। ये क्या आएगा? डेल्टा V वेक्टर। अगर मैं डेल्टा V वेक्टर को आगे तक लेके जाऊं तो कहां से पास करेगा? टुवर्ड्स सेंटर। तो ये डायग्राम कभी भी ड्रॉ करोगे ना, तो डेल्टा V की डायरेक्शन हमेशा हमेशा कहां आएगी? टुवर्ड्स सेंटर। अब मुझे एक चीज बताओ, जो एक्सेलरेशन होती है ना, जो एक्सेलरेशन होती है वो क्या होती है? डेल्टा V वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम। जब डेल्टा V टुवर्ड्स सेंटर है तो एक्सेलरेशन भी टुवर्ड्स सेंटर है। तो रूल नंबर वन, जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूमेगी विद द सेम स्पीड लेकिन डायरेक्शन चेंज करेगी वेलोसिटी की, तो एक्सेलरेशन हमेशा हमेशा कहां पॉइंट करेगी? टुवर्ड्स सेंटर। और कोई एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में जब भी टुवर्ड्स सेंटर है, उस एक्सेलरेशन का नाम इज सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन है जो एक बॉडी के पास होती है जब वो किस में घूम रही होती है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और जिसकी डायरेक्शन हमेशा कहाँ होती है? टुवर्ड्स सेंटर। क्लियर है? और मैं निकालना चाहता हूँ कि इस सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, ये मेरा आज का टॉपिक है, ठीक है? तो मुझे ये तो पता है कि स्पीड मेरी वी है, पर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का जो आपका वैल्यू होगी, मैग्नीट्यूड होगा, वो क्या होगा? ये एक्सप्रेशन है। टॉपिक समझ में आया? तो इसको समझने के लिए एक काम करते हैं, ये देखो, ठीक है, इसको समझने के लिए फिर डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ एक बार। कि मान लो एक बॉडी घूम रही है इन अ सर्कल, तो ये आपके पास V1 वेक्टर है, ये आपके पास V2 वेक्टर है, दिस इज V1 वेक्टर, दिस इज V2 वेक्टर, और दिस इज डेल्टा V वेक्टर, दिस इज डेल्टा V वेक्टर। डेल्टा V कहाँ पॉइंट करेगा? टुवर्ड्स सेंटर, राइट? एक चीज नोट करने वाली है इसमें, वो क्या, कि जब ये V1 वेक्टर V2 वेक्टर था ना, तो सेंटर के ऊपर इस पॉइंट ने और इस पॉइंट ने कुछ एंगल बनाया था, कितना? डेल्टा थीटा।
क्योंकि वी वन वैक्टर इस पॉइंट का है, वी टू वैक्टर इस पॉइंट का है, तो ये सेम पॉइंट थोड़ी ना है, क्योंकि सेम पॉइंट पर तो एक ही टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन होती है वेलोसिटी की, दो डायरेक्शन कैसे हो सकती हैं, एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, दो नहीं हो सकती, तो अगर दो वेलोसिटीज हैं इसका मतलब पॉइंट डिफरेंट है, क्लियर है यहाँ तक, तो पॉइंट डिफर कर रहा है, चाहे वो हल्का सा डिफर कर रहा हो, ठीक है यहाँ तक, ठीक है, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, तो ये रूल है, अगर ये डेल्टा थीटा है, अगर ये डेल्टा थीटा है तो ये जो एंगल है ना ये भी डेल्टा थीटा ही होगा, आपको कैसे, वैसे तो मैथमेटिकली प्रूव भी हो सकता है पर एक लाइन में अगर प्रूव करना है तो इसका एग्जांपल देता हूं, मान लो डेल्टा थीटा जीरो है, अगर डेल्टा थीटा जीरो है तो ये और ये पॉइंट कोइंसाइड करेंगे, डेल्टा थीटा जीरो है तो वी वन वैक्टर वी टू वैक्टर भी कोइंसाइड करेंगे, तो सिंपल सी बात है, अगर डेल्टा थीटा जीरो है यानी कि पॉइंट मूव ही नहीं किया और एक ही पॉइंट की बात हो रही है तो वी वन वैक्टर वी टू वैक्टर भी कोइंसाइड करेंगे ऑटोमेटिकली, तो एक ही वेलोसिटी की बात होगी, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो जब ये एंगल डेल्टा थीटा तो ये एंगल भी डेल्टा थीटा, ये याद रखना है, इसमें बस यही इंपॉर्टेंट है, क्या ये पॉइंट क्लियर है। अब इसमें ये जो डायग्राम देख रहे हो, सिर्फ ये वाला ट्राइंगल, इसको मैं अलग बना रहा हूँ, इसके अंदर एक ये वैक्टर है, इसके अंदर एक ये वैक्टर है और एक ये वैक्टर, अलग बना रहा हूँ मैं, तो इसका नाम क्या है वी वन वैक्टर, इस वेक्टर का नाम क्या है वी टू वेक्टर, डेल्टा थीटा और डेल्टा वी वेक्टर, कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब इसमें वी वन वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड वी टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहेगा वी, क्योंकि स्पीड तो इसमें कांस्टेंट है, कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक, ठीक। तो इसके अंदर इस सेक्टर में मैं अप्लाई कर रहा हूं एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, तो एंगल कितने है डेल्टा थीटा, आर्क ये री, आर्क में क्या आएगा डेल्टा वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डेल्टा वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और रेडियस में सिर्फ और सिर्फ वी, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या है वी, तो रेडियस में क्या दिखेगा आपको वी, तो एंगल डेल्टा थीटा, आर्क में वेक्टर, आर्क वेक्टर नहीं होता, आर्क डेल्टा वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन इसका मैग्नीट्यूड वी, क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक। तो यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या आएगा वी इंटू डेल्टा थीटा, क्लियर है यहां तक, ठीक, कोई डाउट इसमें, कुदरत, ठीक है। हमने अभी रिजल्ट निकाला था, एक क्या रिजल्ट निकाला था, v इज इक्वल टू आर टाइम्स ओमेगा, याद है v किसके इक्वल था r इंटू ओमेगा, इसे पहले का एक्सप्रेशन था, और हमें यह भी पता है कि ओमेगा क्या होता है डेल्टा थीटा बाय डेल्टा t, तो डेल्टा थीटा क्या होता है ओमेगा इंटू डेल्टा t, ठीक है, तो डेल्टा थीटा की जगह ओमेगा इंटू डेल्टा t, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। तो यहां पर v इज इक्वल टू आर ओमेगा, डेल्टा थीटा की जगह ओमेगा इंटू डेल्टा टी, तो डेल्टा v वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू डेल्टा टी, डेल्टा v वेक्टर का मैग्नीट्यूड बाय डेल्टा टी इज आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, और डेल्टा v की डायरेक्शन कहां थी टूवर्ड्स सेंटर, और ये जो एक्सेलरेशन आएगी एक्सेलरेशन ये भी कहां आएगी टूवर्ड्स सेंटर, और इस एक्सेलरेशन का नाम क्या है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बना आर टाइम ओमेगा का स्क्वायर। तो रूल नंबर वन पहले डायग्राम बनाया, रूल नंबर टू डायग्राम को अलग बनाया, एंगल इज आर्क बाय रेडियस किया, आर्क इज डेल्टा थीटा डेल्टा वी बाय वी, तो डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड ये आ गया, वी इज आर ओमेगा, डेल्टा थीटा को यहाँ से ओमेगा इंटू डेल्टा टी पुट किया, डेल्टा टी नीचे आ गया, और ये क्या है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या आया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आर इंटू ओमेगा का स्क्वायर, एंड ये हमेशा कहाँ ऐड करती है टूवर्ड्स सेंटर, एंड हमें पता है वी क्या होता है आर ओमेगा, ओमेगा क्या होता है वी बाय आर, यहाँ पुट कर दो, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी वी स्क्वायर बाय आर। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के अब दो फॉर्मूलाज हैं, पहला फॉर्मूला आर ओमेगा स्क्वायर, दूसरा फॉर्मूला वी स्क्वायर बाय आर। आप ये सोचेंगे कि कब कौन सा अप्लाई करना है,
अगर तो क्वेश्चन पूछने वाला आपको क्वेश्चन में वेलोसिटी वी देता है मीटर पर सेकंड में, फिर तो ये वाला फॉर्मूला। लेकिन अगर वो क्वेश्चन में घूमने की एंगुलर वेलोसिटी देता है रेडियंस पर सेकंड में, फिर ये वाला फॉर्मूला। कि देखना पड़ेगा कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अगर रेडियंस पर सेकंड चल रहा है तो ऊपर, मीटर पर सेकंड चल रहा है तो नीचे। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो दोनों फॉर्मूलाज किसके हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के हैं। कोई डाउट इसमें? ये पहला एक्सप्रेशन आज किया तो हमने, कोई बॉडी जब सर्कल में घूमती है वी इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है यहाँ तक। तो मेरे पास अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का पहला फॉर्मूला आर ओमेगा स्क्वायर, दूसरा फॉर्मूला वी स्क्वायर बाय आर। क्लियर है? अगर मैं एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगी? फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, ऐसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी? टुवर्ड्स सेंटर। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन कहाँ है? टुवर्ड्स सेंटर। तो कोई भी बॉडी अगर सर्कल में घूमेगी तो उसके पास एक फोर्स होनी जरूरी है, नहीं तो वो सर्कल में नहीं घूम पाएगी, जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसका ये फॉर्मूला है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक?